नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह से हो गई है सतर्क। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने की है जरूरत, करे कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। उत्तर रेलवे ने किया ऐलान, कोहरे के कारण बसों का रात में संचालन बंद होने से यात्रियों को यात्रा करने में नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत। रेलवे के द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए चलाई जाएगी अलग से ट्रेनें। कोहरे में सिग्नल को ट्रेस करने के लिए सभी ट्रेनों में लगाया जाता है फॉक्सिप डिवाइस। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। दिसंबर को चाकू से मारकर युवक की हत्या करने के आरोप में बेलीपार थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों राम शाही निषाद और सुग्रीव निषाद को किया गिरफ्तार। एक बाल आपचारी को भी लिया अभिरक्षा में भेजा जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से है तैयार। स्टेशन पर मास्क लगाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की अपर आयुक्त ने की सुनवाई, कहा कुल आई थी 12,000 आपत्तियां, सभी लोग आवासीय कराने की कर रहे हैं मांग। इसी मंजिली स्काउट गाइड के 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता हुई अनिवार्य। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है स्काउट गाइड संस्था। पुलिस के साथ CEO कैंट योगेंद्र सिंह ने न्यायालय के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। न्यायालय ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों की चेक की ड्यूटी, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और महात्मा गांधी PG कॉलेज में 2 दिनों तक चलने वाले वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने किया शुभारम्भ। कहा, खेल हमें प्रदान करता है सकारात्मक ऊर्जा, इसलिए शिक्षा के साथ खेल भी है जरूरी। अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। इसके तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की, जिसको देखते हुए जनपद में कोरोना की स्थिति को लेकर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि COVID-19 बचाव के लिए टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका के मंत्र का पालन किया जाएगा और आने वाले दिनों में नए केस में इसके लिए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस महामारी से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है तथा कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अस्पतालों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन कोविड की जांच कराई जा रही है तथा सभी चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया गया है। अपने जोनल कमांड सेंटर और कोविड कमांड सेंटर को क्रियाशील कर दें और आशाओं और ANM को किट की दवा दे दें और पूरे क्षेत्र में प्रचारित करें कि अगर कोई ILI का मरीज मिलता है तो उसका जांच करें। उन्होंने कहा, BF7 वेरिएंट घातक है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है क्योंकि भारत और प्रदेश सरकार सभी को वैक्सीनेशन लगा चुकी है। इस वायरस में सर्दी, जुखाम, नाक बहना, पेट में दर्द, उल्टी, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं और लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 17 ऑक्सीजन गैस प्लांट है और वह पूरी तरह से क्रियाशील है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और हमारे यहाँ जो 24 घंटे होती थी जांच, यहाँ कराई जा रही है। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को अलर्ट कर दिया गया है कि अपने जोनल कमांड सेंटर और कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर को क्रियाशील कर दें और आशाओं, ANM को कोविड
किट की दवाइयाँ दे दें और क्षेत्र में प्रचारित कर दें कि अगर कोई ILI या SRE का मरीज है तो उसको जांच के लिए बुलाएं, उसकी कोविड की जांच कराएं, और अगर कोई इंटरनेशनल यात्री आता है या किसी अन्य प्रांत से लोग कोई आते हैं तो उनको तब तक आइसोलेट करें और उनकी कोविड की जाँच कराएँ। कोविड की जाँच में अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग कराएँ, और किसी प्रकार की भी शल्य क्रिया के पहले कोविड की जाँच अवश्य कराएँ। और अभी डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ये BF7 जो है ये बहुत घातक है, लेकिन इससे मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि भारत सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने सबको जो है कोविड वैक्सीनेशन लगा दिया है, तो मृत्यु तो लगभग ना के बराबर होगी, लेकिन संक्रमण होगा, इसमें बिल्कुल अपर रेस्पिरेटरी टैग की तरह होगा, जिसे जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बहना, कुछ परसेंट मरीजों में जो है पेट दर्द, उल्टी टट्टी की शिकायत हो सकती है, और कुछ मरीजों में स्वाद जाने की भी शिकायत कर सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन सभी लोग करें, खास करके गर्भावस्था की महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे और बीमार लोग, ये लोग मास्क का सदैव प्रयोग करें, और अगर आप किसी सार्वजनिक वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करिए, भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाने से बचिए, अगर वहाँ जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। इन सब गाइडलाइंस का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग स्वस्थ रहें। सर गैस प्लांट के ऑक्सीजन गैस प्लांट हमारे पास 17 हैं, सभी क्रियाशील हैं और सबकी क्रियाशीलता बनाए रखी गई है। उत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बसों के रात में संचालन पर रोक पर कहा कि कोहरे का असर सभी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। लेकिन रेलवे हर वर्ष की तरह कोहरे में पहले से ही सावधानियां अपनाता है, जिससे कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जाता है, जिसके कारण रेगुलर ट्रेनों को चलाया जा सके। साथ ही इस वर्ष सभी ट्रेनों में फॉक्सिप डिवाइस लगाना शुरू किया है, इससे लोको पायलट को सिग्नल की दूरी का अंदाजा मिल जाता है, जो कि एक GPS डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से पता चल जाता है कि सिग्नल कितनी दूरी पे है। अगर सिग्नल नहीं दिखता है तो ट्रेन की स्पीड को कम करके चलाया जाता है, जब तक कि उनको सिग्नल दिखने ना लगे, जिसकी वजह से लगातार ट्रेनों का संचालन हो पा रहा है। रेलवे का हमेशा प्रयास रहता है कि ट्रेनें संरक्षित चले और जहां तक हो सके ट्रेन समय से चले। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात में पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे कि यह पता चल सके ट्रेन की पटरियां ठीक तरह से हैं, जिसका सुपरवाइजर मॉनिटरिंग करते हैं। रात में स्टेशन गेटों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सभी रेगुलर ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिससे कि किसी भी यात्री को यात्रा करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। रेलवे यात्रियों की मांग को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से देखता रहता है, मांग के अनुसार अलग से ट्रेन चलाया जाता है, जो कि रेलवे की प्राथमिकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, प्रदेश परिवहन निगम ने परसों से रात में बसों के संचालन पर रोक लगा दी कोहरे को देखते हुए, ऐसे में रेलवे किस तरह से लोगों की मदद कर पाएगा? कोहरे का असर सभी जगह सभी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पड़ा है। रेलवे की बात करें तो रेलवे इसके लिए पहले से ही हर वर्ष की तरह कुछ सावधानियां अपनाता है, जिसमें से हम लोग जो लो ऑक्यूपेंसी की कुछ ट्रेनें रहती हैं उनको निरस्त करते हैं, जिसके कारण जो मेन रूट की रेगुलर ट्रेनें हैं वो चलाई जा सकें। और साथ ही साथ इस वर्ष हम लोगों ने पिछले कुछ समय से हम लोगों ने क्या किया है कि फॉग सेफ डिवाइस लगाना शुरू किया है सभी ट्रेनों के इंजनों में, इससे रिलायबिलिटी बढ़ी है। जो लोको पायलट हैं वो उनको सिग्नल की दूरी का अंदाज़ा मिल जाता है, क्योंकि वो GPS डिवाइस है, फॉग सेफ डिवाइस, और इस डिवाइस के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि अब सिग्नल इतनी दूरी पर है। अगर सिग्नल की दृश्यता ठीक नहीं रहती, उसको सिग्नल नहीं दिखाई देता है, तो फिर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कम करते हैं जब तक कि उनको सिग्नल दिखने ना लगे। तो रिलायबिलिटी बढ़ने की वजह से लगातार हम ट्रेनें चला पा रहे हैं, और हमारी जो प्रमुख रेलवे का उद्देश्य है वो ये है कि ट्रेनें संरक्षित चलें और जहां तक संभव हो समय से चलें। इसके लिए रेलवे ने और भी कई सावधानियां अपनाई हुई हैं, जैसे कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विंटर में नाइट पेट्रोलिंग कराते हैं। हमारे जो पेट्रोलमैन हैं वो रात में सभी खंडों की पेट्रोलिंग की जाती है। नाइट में जो ट्रेन इंजन में फुटप्लेट इंस्पेक्शन होता है, जिसको ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स मैन करते हैं, जिससे कि वो पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलिंग प्रॉपर हो रही है,
उसको देख सकें, प्लस जो हमारे गेट हैं लेवल क्रॉसिंग गेट्स उनकी वर्किंग प्रॉपर है उसको देख सकें। रात्रिकालीन औचक निरीक्षण भी इन चीज़ों के लिए किए जाते हैं जिसमें स्टेशंस और गेटों का निरीक्षण किया जाता है। संरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की पहली प्राथमिकता है और इसको लेकर रेलवे सतर्क है, सजग है, और लगातार हम लोग ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्पेशल ट्रेन भी एकल यात्रा के लिए चलाई थी। आने वाले समय में भी हम लोग जितनी भी रेगुलर ट्रेनें हमारी हैं वो हम चलाते रहेंगे। सर, ऐसे में देखा जाए परिवहन निगम को बसों को बंद होने से रेलवे की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्या अलग से भी ट्रेनें चलाई जाएंगी इसके लिए? रेलवे हमेशा जो है यात्रियों की मांग को देखता रहता है कि किस प्रकार से मांग बढ़ रही है, उसको देखने का रेलवे के पास अपना तरीका है। वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी देखते हैं। विंटर्स में जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटी कम हो जाती है, लाइन की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दृश्यता जो है सिग्नलों की वो प्रभावित करती है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे अपनी सभी रेगुलर ट्रेनें जहाँ मांग है उसके अनुसार चला रहे हैं। रेगुलर ट्रेनें लगातार चल रही हैं, मांग के अनुसार हम लोग एडिशनल ट्रेनें भी चला रहे हैं। तो रेलवे जो यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके इसके लिए लगातार काम करती रहेगी और यात्रियों की यात्रा संरक्षित हो, सुरक्षित हो, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। बेलीपार थाने की पुलिस ने चाकू से मारकर युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि 19 दिसंबर को बेलीपार थाना क्षेत्र में युवक की हत्या चाकू से मारकर की गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रामशाही निषाद पुत्र शंकर निषाद निवासी ग्राम जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, नुसर सुग्रीव निषाद पुत्र स्वर्गीय भभूति निषाद निवासी ग्राम जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इसके साथ ही एक बाल आबचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलीपार थाना प्रभारी इकरार अहमद, कांस्टेबल प्रतीक यादव, प्रवीण यादव, मनोज वर्मा, मनीष गुप्ता, महिला कांस्टेबल पूजा गौतम शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 19 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र बेलीपार के गाँव जुड़ापुर में राहुल यादव नाम के एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक पक्ष की ओर से 7 अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 2 अभियुक्त उसी दिन रात में गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1 अभियुक्त ने कल माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में आज बेलीपार पुलिस को सफलता मिली है। हत्या की वारदात करने में जो आला कत्ल प्रयुक्त हुआ था, उस आला कत्ल की बरामदगी भी जो इस अभियोग में नामजद अभियुक्त है रामकरण, उससे हुई है। रामकरण के पिता और एक अन्य अभियुक्त रामशाही निषाद, 3 की गिरफ्तारी हुई है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही त्वरित ढंग से अमल में लाई जाएगी और इस घटना में जो लोग शामिल हैं इस सनसनीखेज वारदात को देखते हुए उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआर पंकज कुमार सिंह ने कोविड की तैयारियों पर कहा कि कोविड के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण को लेकर अभी तक शासन से कोई गाइडलाइन नहीं आई थी, लेकिन रेलवे पहले से ही कोविड से निपटने के लिए तैयार है। स्टेशन पर यात्रियों को कोविड से बचाव के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। रेलवे के सोशल मीडिया पेज मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील किया जा रहा है, यात्रा करते समय मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा स्टेशन पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कुछ केस कोविड के आए हैं। रेलवे पूरी तरह से कोविड से निपटने के लिए तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, Thank you.
अभी कोविड को लेकर कोई भी दिशा निर्देश इस तरह का रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे पहले से ही तैयार है। जो स्टेशन पे यात्रियों का जो कोविड के बचाव के लिए जो बिहेवियर है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे पेजेस हैं उनके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं, आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। स्टेशन पर जो कोविड से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए लगातार हम लोग अनाउंसमेंट करते रहते हैं, और अभी जैसा कि आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि कुछ केसेस आए हैं नए वेरिएंट के, तो कोविड संबंधी जो प्रोटोकॉल हैं वो आवश्यक हैं, सभी के लिए आवश्यक हैं। और उसके लिए हमेशा से ये रहा है कि जब भी हम लोग पब्लिक प्लेस पे जाएं तो जो मास्क लगाने का है या फिर हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, ये सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की अपर आयुक्त रामाश्रय ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सुनवाई की, जिसके संबंध में अपर आयुक्त रामाश्रय ने बताया कि महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की सुनवाई की जा चुकी है, जिसमें कुल 12,000 नागरिक शामिल हैं। इन सब में कुछ नागरिक सुनवाई में नहीं आ पाए थे, जिसको देखते हुए जीडीए ने निर्णय लिया है कि उन छूटे हुए व्यक्तियों की भी एक हफ्ता अलग से कार्यशाला करके सुनवाई की जाएगी, जिसको देखते हुए सुनवाई की जा रही है, जिसमें अधिकतर लोगों ने बताया कि हम लोगों का मकान बन चुका है इसलिए उस क्षेत्र को आवासीय किया जाए। उन्होंने कहा महायोजना कमेटी सभी नागरिकों की आपत्तियां सुन रही है, जो कि शनिवार तक होगी। अगले सप्ताह से आपत्तियों का मोहल्ले वाइज निस्तारण किया जाएगा, सभी आपत्तियों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, बोर्ड कमेटी सभी आपत्तियों पर विचार करके महायोजना में रखकर पास कर देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त रामाश्रय ने कहा भूषण तो बहुत लोग आए हैं, सचिवालय देवी दोनों में हैं जी सर। क्या चाहते हैं आप? सर इसको खुला मार्ग घोषित कर दिया गया है। अच्छा, जो अभी आप क्या चाहते हैं? इसको आवासीय करना सर। आवासीय करना है दोनों में जी सर, दोनों ही का है ठीक। कितने आ गए? कल तो 40-50 से ऊपर आ गए। मुझे तो इसे जंगल भूसर से तो समस्या हाँ, क्या मामला है सर? ये पार्क में दिखा रहा है। आप क्या चाह रही हैं? हम क्या चाह रहे हैं बताओ, अब तो मकान बना हुआ है पूरा अच्छा खासा। मकान बना हुआ है ना, आवासीय चाह रही हूँ। हाँ ठीक। देखिए इसमें जो है, जो हमारी महायोजना जो प्रकाशित की गई है उसके संबंध में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आवासीय या व्यावसायिक किया जाए, क्योंकि हमारे घर बन चुके हैं या दुकान बन चुके हैं। अब इसमें कमेटी सबकी आपत्तियां सुन रही है, कुल 12,000 के आसपास आपत्तियां आई थी। इसमें एक बार सबकी सुनवाई के लिए समय दिया गया, दोबारा जो बचे हुए थे उनके लिए इस हफ्ते सुनवाई की जा रही है, शनिवार तक होगी। इसके बाद मोहल्लेवार चरणवार इसके आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा कमेटी द्वारा, और उसको बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब उसमें जो निर्णय होगा वो सामने आएगा। सर लगभग सर किस तरह के मामले हैं, किस किस क्षेत्र के अलग अलग जैसे वार्ड हैं यहाँ पे? जैसे महादेव झारखंडी है, उसके टुकड़ा नंबर 1, 2, 3 जंगल धूसर है, कई मोहल्ले हैं। पूरे मोहल्ले में कम से कम मैंने यही है कि मेरा आवास बन चुका है, दुकान है, कुछ तो ये भी आ रहे हैं साहब हाईवे फैसिलिटी घोषित कर दिया गया है। हाईवे फैसिलिटी में उनकी ज़मीन अभी ली नहीं जा रही है, वो चाहे खुद भी हाईवे के लिए जो भी फैसिलिटी आवश्यक होती है, जैसे ढाबा है, कोई मरम्मत है गाड़ियों का, इस तरह का जो माने दुकान आदि, पार्ट्स के दुकान आदि खोल सकते हैं स्वतः। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह से हो गई है सतर्क। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने की है जरूरत, करे कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। पूर्वोत्तर रेल
रेलवे ने किया ऐलान, कोहरे के कारण बसों का रात में संचालन बंद होने से यात्रियों को यात्रा करने में नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत। रेलवे के द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए चलाई जाएगी अलग से ट्रेनें। कोहरे में सिग्नल को ट्रेस करने के लिए सभी ट्रेनों में लगाया जाता है फॉक्सिप डिवाइस। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। दिसंबर को चाकू से मारकर युवक की हत्या करने के आरोप में बेलीपार थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों राम शाही निषाद और सुग्रीव निषाद को किया गिरफ्तार। एक बाल आबचारी को भी लिया अभिरक्षा में भेजा जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से है तैयार। स्टेशन पर मास्क लगाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की अपर आयुक्त ने की सुनवाई। कहा कुल आई थी 12,000 आपत्तियां। सभी लोग आवासीय कराने की कर रहे हैं मांग। इसी मंजिली स्काउट गाइड के 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता हुई अनिवार्य। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है स्काउट गाइड संस्था। पुलिस के साथ CO कैंट योगेंद्र सिंह ने न्यायालय के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। न्यायालय ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों की चेक की, ड्यूटी दी आवश्यक दिशा निर्देश। महात्मा गांधी PG कॉलेज में 2 दिनों तक चलने वाले वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने किया शुभारंभ। कहा, खेल हमें प्रदान करता है सकारात्मक ऊर्जा, इसलिए शिक्षा के साथ खेल भी है जरूरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश सप्तम मंडल गोरखपुर के तत्वावधान में 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड रैली बख्शीपुर स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर योगेंद्र नाथ सिंह ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन तथा गुब्बारा उड़ाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि स्काउट गाइड संस्था एक गैर राजनीतिक संगठन है जो बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता अनिवार्य कर दी गई है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ यह संस्था बच्चों में अनुशासन और सेवा की भावना भी विकसित करती है। उन्होंने कहा कि आज समाज में बढ़ते भेदभाव को देखते हुए स्काउट गाइड संस्था द्वारा समाज में अपनी अलग भूमिका का निर्वहन किया जाता है। जब जब देश व समाज पर विपदाओं का संकट गहराता है, तब तक स्काउट गाइड संस्था के लोग बढ़ चढ़कर समाज सेवा के लिए कार्य करने को तैयार रहते हैं। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त सप्तम मंडल नौशाद अली सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, गीता देवी जी मौजूद हैं मंच पर आसीन समस्त रैली मंच की तरफ फेस करेंगे, एक तरफ घूम जाइए मंच की तरफ, फिर अपने अतिथियों का अभिवादन करेंगे जनरल सलूट से। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आसीन समस्त अतिथियों से कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इन नन्हे प्यारे स्काउट्स और गाइड्स आपको सलामी देकर के सैल्यूट करके आपका अभिवादन करना चाहते हैं। थैंक यू सर, अपने स्थान पर पुनः बैठने का निवेदन करूंगा। चित्रपल माल्यार्पण कर अर्चन दीपार्जन कर उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि स्वागत करें आदरणीय मुख्य चित्र पर माल्यार्पण करते हुए एक साथ अदुपार ताली बजा। स्वागत
श्री राम जन्म सिंह सर, देवरिया आदरणीय शिवानंद नायक सर, जिला कमिश्नर गाय पहुंचाने में सर आपने काम किया है, पूरे प्रदेश में ही नहीं इस पर भी आपका एक स्थान है और मंडल गोरखपुर को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा अहम सहयोग रहा है। सर के लिए साथ ताली स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद है कैंप लगाकर स्वागत करने का करें। जिला संगठन आयुक्त गाइड जैसे झंडा गीत शुरू भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। मैं चाहूंगा मंच पर आ जाए ब्यूरो डिगा लेकर के चलिए एक साथ हाथ ऊपर विमोचन के पश्चात मैं भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश गोरखपुर की 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड रैली 2022 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। हो रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गुब्बारे को उड़ा करके रैली हाथ ऊपर ताली बजा बहुत खूब। जब किसी नगर की नन्ही प्यारे गाइड अपने सलामी मंच की तरफ अतिथियों का अभिवादन करते हुए खुशी नगर के सभी गाइड्स हैं बहुत अच्छे शाबाश और अच्छे बहुत खूब अच्छे बहुत अच्छे है। ये आ रही है नन्ही प्यारे गाइड जनपद देवरिया की। जनपद देवरिया की अपनी अलग पहचान है पूरे उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते जाए कदम ताल करते रहे मार्च करते रहे अपने स्थान पर भी बढ़ते रहे बहुत को बहुत अच्छे शाबाश बहुत अच्छी गाइड नन्ही प्यारी गाइड क्या चेहरे की मुस्कान है इनके मन में थकान बिल्कुल नहीं है। अपने अतिथियों के स्वागत में सम्मान में बहुत अच्छे शाबाश बहुत को बहुत देवरिया की ये है नन्ही प्यारी स्काउट बहुत को सीना चौड़ा करके चल रहे हैं अपने अतिथि के स्वागत में सम्मान में इनके अंदर जोश और खरोश की कोई कमी नहीं है। सभी कैंडिडेट लीडर उनको बढ़ाते भी रहे इधर से मोड़ करके बहुत अच्छे शाबाश बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे कदम ताल मार्च पास नहीं रुकेगा तो सलामी दे रहे हैं आ रहे जनपद महाराजगंज। जनपद महाराजगंज की टीम को मैं बताना चाहूंगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय जमहूरी कर्नाटक में गई हुई है लगभग 36 स्काउट गाइड और भाग दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जमहूरी में 56,000 स्काउट गाइड उन्हें नजर रहे एक ही कैंपस में सब कमरों में रह करके वहां रैली हो रहा है और इस जनपद देने के लिए हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर इनको दीर्घायु दे और हम सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। नन्हे प्यारे स्काउट और गाइड बहुत खूब ये महाराजगंज की टीम कितनी अच्छी टीम कितने अच्छे ढंग से कितने व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं कदम से कदम मिलाते हुए हाथ से हाथ चलाते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए हुए हंसी के फूल खिलाए हुए नन्हे प्यारे स्काउट और गाइड बहुत अच्छे शाबाश कदम ताल करते रहिए रुकिए नहीं गाइड कदम ताल करते रहिए रुकना नहीं है चलते रहना है आगे बढ़ते रहना है कदम चलाए जा बहुत अच्छे बहुत जनपद गोरखपुर के नन्ही प्यारे गाइड बहुत खूब कितने खुशी मन से कर रहे हैं उत्साह वर्धन के अंदर उत्साह फूट फूट के भरा है ऐसे मुख्य आयुक्त को पा करके ऐसे मुख्य अतिथि को पा करके ऐसे शिक्षा विभाग के सम्मानित अधिकारियों को पा करके बच्चों के अंदर वो जज्बा वो जोश वो खरोश और जग रहा है बहुत अच्छे शाबाश बहुत अच्छे जनपद गोरखपुर की टीम आपका होश जनपद है आप मेजबान भी हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों हाथ उठा करके
कलर मार्च पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जनपद गोरखपुर के स्काउट, पिपराई क्षेत्र कॉलेज के स्काउट हैं, बहुत अच्छे, बहुत खूब शाबाश, बहुत अच्छे। कॉपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराई के स्काउट, बहुत अच्छे, शाबाश। सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को, विशेष अतिथि महोदय को और जनपद के जिला मुख्य महोदय को, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। कदम ताल करते रहिए, कदम ताल करते रहिए, अपना स्थान लेते रहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत खूब, बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। क्या जज्बा, क्या जरूर है होश में गोरखपुर का। आज इस वक्त 28वीं मंडलीय रैली भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश सप्तम मंडल गोरखपुर के तत्वावधान में आज प्रारंभ हुई है। और इस प्रतियोगिता में, इस रैली में मंडल के चारों ज़िलों से, यानी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के स्काउट और गाइड्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में स्काउट और गाइड्स की जो संख्या है वो 450 स्काउट्स यानी बालक होंगे और 450 गाइड्स यानी उसमें बालिकाएं होंगी। इनकी ये प्रतियोगिता आज से अभी उद्घाटन सत्र के बाद प्रारंभ होगी। आज चार प्रतियोगिताएं इनमें कराई जाएंगी और आज रात्रि विश्राम यहीं होगा, कल भी रात्रि विश्राम यहीं होगा इन सारे स्काउट्स और गाइड्स का। उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, उनके सोने और रहने के लिए इंतज़ाम किया गया है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ये प्रतियोगिता, जैसे कि पिछली तमाम प्रतियोगिताओं को इस विद्यालय ने गोरखपुर जनपद में आयोजित करके सफलता के शिखर तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड की ये प्रतियोगिता भी अपनी सफलता के शीर्षतम स्थान पर पहुंचेगी। ये हर बस बच्चों की स्काउट और गाइड रैली होती है, जो जनपद स्तर पर भी होती है और मंडल स्तर पर भी होती है, प्रदेश स्तर पर भी होती है। उसी क्रम में जनपद स्तर पर मंडली जनपदीय रैली का आयोजन स्काउट गाइड का हो चुका है और अब आज जो है मंडल स्तर की रैली इस MSI कॉलेज के प्रांगण में हो रही है। चारों जनपद हैं हमारे मंडल के, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। CEO कैंट योगेंद्र सिंह ने कैंट पुलिस व डॉग स्क्वाड टीम के साथ दीवानी न्यायालय परिसर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान CEO कैंट योगेंद्र सिंह ने दीवानी न्यायालय के चारों गेट पर ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी को चेक किया, उनसे वहां के सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग के न्यायालय में ना जाने पाए। इसके अलावा उन्होंने न्यायालय के कैदियों के बैरक, अधिवक्ताओं के चैम्बर, कोर्ट रूम के कार्यालय को भी चेक किया। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा,
जितने भी गेट्स हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगती है उसे चेक किया गया है। न्यायालय परिसर के अंदर डॉग स्क्वाड और पूरी टीम के साथ में चेकिंग की गई है। परिसर में जितने भी जगह हैं, नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग, वहाँ सब पूरा चेक किया गया है, जिससे कि कोई अवांछित वस्तु तो नहीं है, कोई अवांछित व्यक्ति तो नहीं है। और चूँकि अब न्यायालय कल के बाद बंद होने वाला है, तो इसके लिए एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था और सभी सुरक्षा व्यवस्था ठीक पाई गई है, सभी लोग अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। उनको ये बताया गया है कि जो भी चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है वो विधिवत तरीके से की जाए, क्योंकि उनके पास HHMD सभी के पास में है, बैग स्कैनर भी लगे हुए हैं, तो जो चेकिंग हो रही है वो विधिवत तरीके से की जाए। थैंक यू। महात्मा गांधी PG कॉलेज में बुधवार को दो दिनों तक चलने वाले वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने ध्वजारोहण, मशाल जलाकर तथा गुब्बारा उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद बालिका द्वारा 400 मीटर का दौड़ भी कराया गया, जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय यादव ने बताया कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, हारने के बाद ही जीतने का प्रयास होता है, कोशिश करने वालों की जीत तय है। आज खेल के क्षेत्र में आगे निकलने की बड़ी संभावनाएं हैं, सरकारें इस क्षेत्र में ध्यान दे रही हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी महत्व मिलना चाहिए, अभिभावक अपने बच्चों को खेल में आगे आने के लिए प्रेरित करें, आज खेलों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ाई, खेल हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, खेल हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, खेल हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। इस अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा शर्मा, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर उमेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर निखिल कुमार, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता त्रिपाठी, आयुष यादव, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव सहित शिक्षक कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने कहा, हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह सर अतिथि का अभिवादन करें। तालियां, जोरदार तालियां बजाएं। ध्वजारोहण हो चुका है मंच पर। पहली फ्लैग बियरर रहनुमा खान सलामी देते हुए, विनम्रता कुशवाहा BSc थर्ड सेमेस्टर,
पीछे आ रही टुकड़ी के साथ श्रद्धा श्रीवास्तवा, श्रद्धा श्रीवास्तवा के बाद नेक्स्ट फ्लैग बियरर विजय लक्ष्मी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर उमर, और इनके पीछे हमारे बच्चे बैंड की शानदार धुन के साथ कृपया कर्तव्य ध्वनि से इनका भी अभिवादन करें। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में वास्तविक क्रीड़ा शालीनता एवं सहचर्य की विशुद्ध भावना से सभी अधिकृत नियमों का प्रयास से अपने वृंद की आन एवं क्रीड़ा के शान के लिए इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक हैं। धन्यवाद। अमृता से चैंपियन को सौंपते हुए जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। मूविंग फॉरवर्ड, ये मशाल यूं ही जलती रहे। हमें मालूम है कि आज खेल के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के अवसर पर हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे, इसी जमीन और मट्टी से निकल करके देश और दुनिया में इस माटी के सुगंध को फैलाया। करीब 36 देशों में जाने का मौका मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीता गया, देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जी से कई बार सम्मान मिला। लेकिन आज अपनों के बीच में आकर के आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इस विद्यालय परिवार ने जो मान सम्मान दिया, ये भी हम कभी भूलेंगे नहीं। अपने अपनी स्मृतियों में याद रखेंगे। हारना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी खेल में हारने के बाद ही जीतने का प्रयास किया जाता है। हम लोग भी हारे हैं, फिर जीतने का प्रयास किया गया है। ट्राई ट्राई अगेन एट लास्ट यू सक्सेस। आदमी कोशिश करे तो सफलता उसे जरूर मिलती है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आज स्पोर्ट्स में तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तरह तरह के इनाम मिल रहे हैं, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र से न सही, लेकिन खेल के क्षेत्र में अगर आप आगे निकल जाते हैं तो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक जीतते हैं, वाले एशिया और ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतते हैं। तो सरकारें आज की डायरेक्ट आपको क्लास टू नौकरी दे रही है और अच्छी सुविधाएं से आपको लैस कर रही है, अच्छे अच्छे इनाम, करोड़ों करोड़ों रुपया आपको इनाम मिलते हैं देश से लेकर के अन्य प्रदेशों तक। धन्यवाद सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, दौड़ो, चलो 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 चलो। One, two, three.
विनर्स के लिए हमारे ये 400 मीटर तालियां बजती रहे। विजयी प्रतिभागी भैया आ जाइए और सांत्वना पुरस्कार पाए। और आज के इस प्रथम इवेंट के साथ हमारे दो दिवसीय बाद बहुत ही अच्छा लगा। आज महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के इस प्रांगण में 2022-23 का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जो छात्र छात्राएं प्रतिभागी के रूप में आए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है कि कॉलेजों से निकल करके यही बच्चे आगे जाएंगे, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका मदद पदक जीत करके जो हौसला बुलंद हो रहा है, आज यहाँ पदक जीते हैं, इनका हौसला बुलंद होगा तो यही जा करके प्रदेश में और देश में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। हम लोग भी इसी क्षेत्र से निकल करके यहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके देश का सम्मान गौरवान्वित किए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बाकी गाँव में? बच्चों को यही जानेंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे बच्चियों में कोई अंतर नहीं रह चुका है, देश में प्रदेश में और पूरे दुनिया में खेलों का महत्व दिया जा रहा है, उनके लिए अच्छे से अच्छे सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे से अच्छे उनके इनाम दिए जा रहे हैं, अच्छी से अच्छी नौकरियां दी जा रही हैं, जो पदक जीत करके देश का लाते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हम चाहेंगे बच्चों से कि देश का भविष्य आप हो, आगे आओ, शिक्षा के साथ साथ खेल में अपना महत्व योगदान दो, ताकि देश का नाम प्रतिनिधित्व करोगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके देश को गौरवान्वित करोगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह से हो गई है सतर्क। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने की है जरूरत, करें कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। उत्तर रेलवे ने किया ऐलान, कोहरे के कारण बसों का रात में संचालन बंद होने से यात्रियों को यात्रा करने में नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत। रेलवे के द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए चलाई जाएगी अलग से ट्रेनें। कोहरे में सिग्नल को ट्रेस करने के लिए सभी ट्रेनों में लगाया जाता है फॉक्सिप डिवाइस। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। दिसंबर को चाकू से मारकर युवक की हत्या करने के आरोप में बेलीपार थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों राम शाही निषाद और सुग्रीव निषाद को किया गिरफ्तार। एक बाल आबचारी को भी लिया अभिरक्षा में भेजा जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। कोविड के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से है तैयार। स्टेशन पर मास्क लगाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की अपर आयुक्त ने की सुनवाई, कहा कुल आई थी 12,000 आपत्तियां, सभी लोग आवासीय कराने की कर रहे हैं मांग। इसी मंजिली स्काउट गाइड के 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता हुई अनिवार्य। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है स्काउट गाइड संस्था। पुलिस के साथ CO कैंट योगेंद्र सिंह ने न्यायालय के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। न्यायालय ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों की चेक की ड्यूटी, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और महात्मा गांधी PG कॉलेज में 2 दिनों तक चलने वाले वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने किया शुभारंभ। कहा, खेल हमें प्रदान करता है सकारात्मक ऊर्जा, इसलिए शिक्षा के साथ खेल भी है जरूरी। आप मुझे दे इजाजत। नमस्कार।